वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आइडियलिस्ट एकेडमी। आप सभी लोगों का आइडियलिस्ट एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर भूमिका वाशनी। हम आज अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस फ्रॉम अ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जो भी हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं, उन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक या फिर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो हम आज अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू समझते हैं। ओवरव्यू क्या है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस मैनी इनहिबिटरी कंपाउंड विच कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल स्पॉइलेड और पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। देखिए, जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर ये पोटेंशियल होता है या फिर उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इनहिबिटरी कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं जो माइक्रोब्स को या फिर जो हमारी पैथोजेनिक और स्पॉइलेजेस कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको किल कर सकते हैं। और ये जो सब्सटेंस होती है वो कौन कौन से होते हैं? दीज सब्सटेंस इंक्लूड ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड में आपका लैक्टिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, एसिडिक एसिड एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे हाइड्रोजन परऑक्साइड और निहिसिन। तो ये हमारे कुछ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं जो ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर पाए। इसके अलावा इफ दीज एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस इन अ सॉलिड मीडिया देन क्लियर जोन आर डेवलप अराउंड द टेस्ट ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन अ पर्टिकुलर सॉलिड मीडियम। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी बैक्टीरियल की आपकी स्ट्रेन, मान लीजिए ये बी स्ट्रेन है बैक्टीरियल, अगर आपने इसे एक सॉलिड अगार मीडिया पे ग्रो करना, सॉलिड मीडिया पर अगर ग्रो करना, ठीक है, और इस बैक्टीरिया बी ने कोई भी हमारा ये वाला ऑर्गेनिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड या निहिसिन, ये कोई भी इनमें से कोई भी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस को प्रोड्यूस किया, अगर इसमें से कोई भी इनमें से एक भी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रोड्यूस किया तो हमें इस पे क्लियर जोन मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लियर जोन। तो जब क्लियर जोन हमें मिलेगा तो हम इस बात से ये वैलिडेट करेंगे कि ये जो हमारा बैक्टीरिया वी है वो ऐसा कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है जो हमारे इसमें जो हमने अपना ऑर्गेनिजम्स डाला है जिसको हमें किल करना है उसको किल कर रहा है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ दिस एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। तो अब इसे पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे पहले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इंडिकेटर स्ट्रेन, एमआरएस ब्रोथ, एमआरएस अगार, बैटरी प्लेस, क्रिलमियर प्लस, वैक्स मेकिंग पेंसिल, वाटर बॉथ, इंक्यूबेटर, सेंट्रीफ्यूज, फिल्टर, स्टरलाइट वॉल्वर, स्टरलाइट टिप्स, ऑटोपाइपर्स, ग्राम स्टेनिंग किट, ग्लास स्लाइड्स। ये सारे मटेरियल्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम समझते हैं प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या है? चेक द प्योरिटी ऑफ कल्चर ग्राम स्टेनिंग एंड चेक फॉर देयर प्योरिटी। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमने अपना कल्चर लिया है लैक्टिक एसिड का, क्योंकि हम इसी के अंदर सारी एक्टिविटी देखते हैं, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है तो सबसे पहले हम इसकी प्योरिटी चेक करते हैं, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग से कल्चर प्योरी प्योरिटी ऑफ कल्चर ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग करते हैं और उसकी हम अपनी प्योरिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं? इंक्यूबेट द प्योर कल्चर ऑप्टेन इन अ अबव स्टेप इन एमआरएस ब्रोथ। ठीक है, देखिए हम एक पैट्री प्लेट्स लेते हैं, उसमें हम अपना एमआरएस ब्रोथ डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है इसे इस पे स्प्रेड कर देते हैं, ये इसकी क्या कर देते हैं, इस प्रोड्यूस। ठीक है,
और उसके बाद इसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 आवर के इंक्यूबेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ ग्रोथ सेंट्रीफ्यूज एंड कल्चर एट 7000 आरपीएम एंड 10.15 मिनट। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एमआरएस ब्रॉथ ली हमने यहाँ पे स्प्रेडिंग के लिए, यहाँ पे हमने क्लास लिया है, तो ये कौन पे यहाँ पे हमने स्प्रेडिंग नहीं की है, सॉरी यहाँ पे हमने एक्चुअली मुझे तो चलिए अब हम इसका प्रोसीजर समझते हैं कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। देखिए चेक द प्योरिटी ऑफ कल्चर ग्राम स्टेन एंड चेक द प्योरिटी, देखिए जो भी हमने अपना लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लिया था हम उसकी ग्राम स्टेनिंग करके इसकी प्योरिटी को चेक कर, तो चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, इनक्यूबेट द प्योर कल्चर ऑब्टेन इन आवर स्टेप एंड एमआरएस ग्रोथ, इनक्यूबेट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 28 आवर्स, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ ग्रोथ सेंट्रीफ्यूज द कल्चर एट 7000 आरपीएम फॉर 10 टू 15 मिनट्स, कलेक्ट द सुपरनेटेंट एंड स्टरलाइज यूजिंग 0.22 mm मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है। और उसके बाद हम यूज करते हैं ये तीनों जो हमारे एस और एस एस इकोलाई एंड वी सबस्टाइलस एज अ टेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनको हम एज अ टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या किया, देखिए सबसे पहले तो हमने लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया लिया, उसके बाद हमने इसको इनोक्यूलेट किया एमआरएफ एमआरएस ब्रॉथ में, कैसे ये हमारा कॉनिकल या तो लिनियर ग्राफ है, इसमें हमने इसको यहाँ पे किया इंक्यूबेट कर दिया। इंक्यूबेट करने के बाद हमने इसमें 48 आवर्स का इंक्यूबेशन दिया एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर ये हो गया, यहाँ पे हमें ग्रोथ मिल जाएगी अच्छी खासी, फिर हम करेंगे सेंट्रीफ्यूजन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद फिर हमें मिल जाएगा हमारा सुपरनेट, सुपरनेट मिल गया, फिर हम यहाँ पे करेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करने के बाद हमें प्योर जो हमारा एलईडी बैक्टीरिया है वो हमें मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि इसकी अब हम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को टेस्ट करेंगे। एंटीबैक्टीरियल की एक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, वेल एसे मेथड, स्पॉट एंड स्टिकी मेथड एंड डिस्पे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने एज अ इंडिकेटर टेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स लिया है वो हमने ये तीनों लिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं वेल एसे मेथड। वेल एसे मेथड में क्या है, एड 0.1 ml ऑफ टेस्ट कल्चर इन अ सॉफ्ट अगार टेस्ट ट्यूब, और दीज टेस्ट ट्यूब ऑन अ सॉलिड न्यूट्रिएंट अगार एंड एमआरएस मीडिया प्लेट, इनक्यूबेट द प्लेट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स, कट द वेल ऑन अ मीडिया यूजिंग अ बोरर, एड 0.1 ml स्टरलाइज सुपरनेटेंट antimicrobial substance to each wall and allow for diffusion under the refrigerator condition. Incubate the plate at 37 degree centigrade for 24 hours and observe the zone of inhibition. देखिए हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने 1 ml की test tube culture में soft agar test tubes, देखिए यहाँ पे हमने battery plates लिए, battery plates में अपना एक
न्यूट्रिएंट्स अगर मिल गए सॉलिडिफाई, यहाँ पे हमने इस तरीके से एक बैटरी प्लेट्स ली और इसमें हमारा सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट अगर मिल गया, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा एमआरएस मीडिया की प्लेट लिखी है, यहाँ पे हमने ये लिया है एंड हमारा एमआरएस मीडियम लिया है, ये दोनों हमने मीडियम इसमें ले लिए एंड एमआरएस ये हमने ले लिया। और इस और यहाँ पे हमें जो भी हमारा टेस्टिंग वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हमने यहाँ पे इसकी कर दी स्प्रेडिंग, ठीक है। स्प्रेडिंग करने के बाद हमने इसको दे दिया इंक्यूबेशन, वो 24 आवर का, जब हमने 24 आवर का इंक्यूबेशन दे दिया यहाँ पे हमारा टेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इजीली हमारा क्या कर गया, ग्रो कर गया। फिर हमने क्या किया, ये हमारी टिप होती है, स्टेप की टिप्स होती है, इस टिप की हेल्प से इसने बना दी वेल इस तरीके से, ठीक है। अब हमने इसमें वेल बना दी और जितनी भी ये वेल है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 वेल है, इनमें हमने 0.1 ml स्टरलाइट जो हमारा सुपरनेटेंट मिला था LVS वाला उसको इसमें पोर कर दिया, इन सब में डाल दिया, ठीक है, इन सब में डाल दिया हमने। उसके बाद फिर हमने इसे डिफ्यूजन के लिए रख दिया, डिफ्यूजन के लिए हमने फिर से इसे 24 आवर का इंक्यूबेशन दिया। जब हमने 24 आवर का इंक्यूबेशन दिया उसके बाद हमें कुछ इस टाइप्स का ये क्लियर जोन मिलेगा, ये अगर ये हमें जोन मिलता है, इसे हम कहते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन, इसका मतलब कि जो हमने इसमें अपना बैक्टीरिया डाला था, जो हमने एलवीएस बैक्टीरिया इसमें डाला, उसने इस टेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया, इसकी हेल्प से डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे इसका डिफ्यूजन है, ये इतना डिफ्यूज कर दिया, इसीलिए हम इसे कहते हैं वेल अगार डिफ्यूजन मेथड। तो इस तरीके से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, हमें शॉर्ट में समझती है, सबसे पहले टेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, टेस्ट कल्चर की टेस्ट कल्चर लिया, टेस्ट कल्चर लिया किस पे, सॉफ्ट अगार मीडिया पे, इसकी करी स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग करने के बाद इसमें हमने यहाँ पे जो सॉफ्ट अगार मीडिया लिया वहां पर सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट अगार एमआरएस मीडियम लिया, एक इसका इंक्यूबेशन लिया, इनका इंक्यूबेशन करने के बाद हमने एक वेल एक पैट प्लेट्स ली, जैसे मोस्ट ऑफ द टिप्स की टिप का वैग भी यूज कर लेते हैं, वो यूज करने के बाद यहाँ पे हमने अगार को फोर कट कर दिया, कट करने के बाद जो हमने सुपरनेटेंट अपना निकाला था उसको 0.11 ml हमने क्या कर दिया, फोर कर दिया, इन सब में फोर करने के बाद फिर हमने इसे 24 आवर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेशन दिया और जोन ऑफ इनहिबिशन चेक किया कि जोन ऑफ इनहिबिशन आ रहा है या नहीं, अगर जोन ऑफ इनहिबिशन आ रहा है दैट मीन्स कि जो हमने एलवीएस बैक्टीरिया लिया है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को क्या करता है, वो ऐसे कोई एलवीएस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अपनी बॉडी से प्रोड्यूस कर रहा है जो इस जो हमारा टेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे इजीली किल कर दे रहा है, ठीक है। कि जो हमने यहाँ पे जो एलवीएस यहाँ पे जो हमने इसमें लिया था वो हमने यही तो लिया था हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को तो हमने यहाँ पे ब्रोथ में ग्रोथ कराया था, जब हमने ब्रोथ में इसको ग्रो कराया इसका मतलब ये ना कि इसने कुछ अपने केमिकल सब्सटेंस इस ब्रोथ में क्या कर दिए होंगे, प्रोड्यूस कर दिए होंगे, जब प्रोड्यूस कर रहे हैं फिर हमने उसी ब्रोथ को उसी सुपरनेटेंट को यहाँ पे यूज किया, इसका मतलब कि उसने अगर अगर जिस बैक्टीरिया ने कुछ भी प्रोड्यूस किया है ऐसा जो इसको किल कर रहा है दैट मीन्स वो एंटी माइक्रोबियल है, अगर उसने ऐसा प्रोड्यूस नहीं किया होता तो इसका मतलब है कि कोई जैसे मान लो दो कंडीशंस यहाँ बनती है, जैसे हमने एलबीएस लिया इसके दो कंडीशन है, अगर ये एंटी माइक्रोबियल कोई भी सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है
अगर ये प्रीव्यू या तो यस होगा या नो होगा. अगर ये यस है, प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मींस ये सुपरनेटेंड में आएगा सेंट्रीफ्यूजन करने के बाद. ठीक है, जब ये हमारा सुपरनेटेंड में आ जाएगा और उसे फिर जब हम टेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स के साथ यूज करेंगे, जैसे हमने इकोलाई वगैरह लिया था, तो फिर क्या करेगा, ये उसे किल करेगा और किल करने के बाद हमें जोन ऑफ इनहिबिशन मिलेगा. ठीक है, अगर हमें जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं किया. तो ये है हमारा वेल सेफ एश. नेक्स्ट है हमारा स्टिकिंग प्लेट मेथड. इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम एमआरएनएस आधार मीडिया लेते हैं एंड म्यूटेंट आधार मीडिया लेते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, उस पर हम स्प्रेडिंग कर रहे थे, इसमें हम स्टिकिंग कर देते हैं, इस टाइप से ये हमने स्टिकिंग कर दी. स्टिक द कल्चर टू बी टेस्ट फॉर एंटी माइक्रोबियल ऑन अ मीडिया. ठीक है, स्टिकिंग करने के बाद हमने फिर से इसे इंक्यूबेशन दिया. इंक्यूबेशन करने के बाद मिक्स में 0.1 ml का टेस्टिंग कल्चर में सॉफ्ट अगार टेस्ट एंड पोर ओवर द अबव द स्टिकिंग प्लेट. देखिए हमने क्या किया, जो भी हमारा ये टेस्ट कल्चर था, इसमें फिर से हमने 2.7 का जो सुपरनेटेंट लिया था उसे इसमें डाल दिया और इस भी स्टिकिंग कर दी अच्छे से. स्टिकिंग करने के बाद फिर से हमने इसका 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर का इंक्यूबेशन दिया. इंक्यूबेशन देने के बाद फिर हमने यहाँ पे जोन ऑफ क्लियरेंस देखा. जैसे हम वहां कर रहे थे वैसे हम यहाँ भी कर रहे हैं. वहां पे हम वेल बना रहे थे, यहाँ पे हम स्टिकिंग कर रहे हैं. बस इतना ही डिफरेंस है, उसके अलावा इतना कोई भी डिफरेंस नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्क मेथड. डिस्क मेथड में भी हम ऐसे ही करते हैं. इसमें क्या करते हैं, प्रिपेयर एमआरएस अगार मीडिया, म्यूटेंट अगार मीडिया और मिक्स करते हैं 0.1 ml ऑफ टेस्ट कल्चर इन सॉफ्ट अगार मीडिया पूरा ऑन अ एवो प्लेट. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे भी हमने एमआरएस एंड म्यूटेंट अगार मीडिया लिया, इसमें भी एमआरएस एंड म्यूटेंट अगार मीडिया लिया और हमारा वेल सेल में भी हमने सॉलिड म्यूटेंट अगार मीडिया और एमआरएस मीडिया लिया. तीनों में हमने यही लिया है, मीडिया सेम लिया है. उसमें भी हमने 0.ml से स्टिकिंग स्प्रेडिंग, इसमें हम उसमें हमने वेल्स में इसको पोर किया था, इसमें स्टिकिंग की थी. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक सॉफ्ट फिल्टर पेपर की डिस्क रख दी थी. ठीक है, ये रख लेते हैं इन अ सुपर नेटेंट ऑप्टेन फ्रॉम डिफरेंट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. जैसे मान लो हमें एक से ज्यादा लैक्टिक एसिड हमने प्रोड्यूस किया, उनका डिफ्यूजन चेक करना, तो हम यहाँ पे एक डिस्क यूज कर रहे हैं फिल्टर पेपर. और उस फिल्टर पेपर की डिस्क में जो होती है उसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लैक्टिक एसिड. वो भी डिस्क जो होती है वो भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही रखती है, उसमें भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस होता है. बस हम उसको क्या करते हैं, जैसे ये दिखाया है, ये हमने यहाँ पे डिस्क रख दी, ये मार्केट में मिलती है एक्चुअली डिशेस, ये इस टाइप की छोटी छोटी सी डिस्क होती है. इनको हम अपने सॉलिड अगार मीडिया पे रख देते हैं. ठीक है, ये हमने रख दिया और रखने के बाद फिर से हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड का, इस पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड 48 आवर का इंक्यूबेशन दिया. उसके बाद हमने जोन ऑफ क्लियरेंस इसका भी देखा. क्लियरेंस देने के बाद हमने उसको मेजरमेंट कर लिया कि कौन से हमारे किस बैक्टीरिया ने कितना इंक्यूबेशन किया. ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नॉट ओनली द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बट ऑल्सो द मैनी अदर बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विद टेस्ट विद द हेल्प ऑफ दीज टेस्ट. वॉट टेस्ट, फर्स्ट इज वेल एशी टेस्ट, नेक्स्ट स्टिकिंग प्लेट एंड नेक्स्ट डिस्मेट. तो इस तरीके से हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटीबैक्टीरियल माइक्रोबियल कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है उसकी एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं. तो ठीक है, मैं एक बार ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट शॉर्ट में समझा देती हूँ. सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारा कल्चर था उसे हमने क्या कर लिया, एमआरएस ग्रोथ मीडिया में करने के बाद उसको ग्रो करा दिया. ग्रो कराने के बाद हमने उसके सुपरनेटेंट को कलेक्ट कर लिया. सुपरनेटेंट को कलेक्ट करने के बाद वेल शेप ऐसे स्टिकिंग प्लेट और डिस्क प्लेट की मेथड की प्लेट जो हमारा डिस्क मेथड था, इन तीनों की हेल्प से उसकी एक्टिविटी को चेक कर लिया.
वेल शेप में क्या किया, हमने अगार मीडिया लिया, उसमें वेल बनाई, वेल बनाने के बाद हमने 0.1 ml जो हमारा सुपरनेटेंट था उसको डाला और उसके बाद उसको जोन ऑफ इनहिबिशन चेक किया। स्टिकिंग प्लेट मेथड में हमने क्या किया, स्टिकिंग प्लेट मेथड में हमने जो हमारा सुपरनेटेंट था उससे स्टिकिंग कर दी, स्टिकिंग करने के बाद फिर हमने जोन ऑफ क्लियरेंस चेक किया। डिस्क मेथड में क्या किया, हमने जो हमारी मार्केट से डिस्क मिलती है उसको हमने, जो डिस्क होती है वो ऑलरेडी हमारी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस कोटेड होता है उसमें ऑलरेडी, और ये मोस्ट ऑफ द फिल्टर पेपर्स की होती है, और उन प्लेट्स को अपने हमने सॉलिड आकार मीडिया के ऊपर रख दिया। रखने के बाद फिर हमने इसमें जोन ऑफ क्लियरेंस चेक किया। तो इस तरीके से हमने लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को टेस्ट किया। ये हमारे डायग्राम थे, इस तरीके से हमने जोन ऑफ क्लियरेंस और जोन ऑफ इनहिबिशन देखा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज फॉलो आईडियल एकेडमी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड ऑल्सो गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आईडियल एकेडमी। थैंक यू।